हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले विज्ञान के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है तो बहुत आसान बट बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा। आप 30 में से कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा टेस्ट को लगाने के बाद, और जितने भी आंसर आपसे आते होंगे साथ ही साथ आंसर देते हुए चलिएगा। और आप टेलीग्राम से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप टॉपिक स्टडी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि हर एक अपडेट मिलते रहे। अगर आप चाहते हैं दिन में आपको करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे को यहाँ पे लगातार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर ज़्यादा क्वेश्चन लेके आइए। यार, आप एक चीज़ बताइए, ना तो आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना आप टेस्ट को पूरा एंड तक लगा रहे हैं, तो अभी मैं क्वेश्चन कैसे बढ़ा दूँ? अगर आप जितना आप सपोर्ट करेंगे मैं उससे डबल सपोर्ट करूँगा, आपको डबल क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप एक बार करके तो देखिए, लाइक शेयर करके तो देखिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। पहला क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? तो आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड का समय मिलेगा, तो चलिए दीजिए आंसर। तो बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, शरीर की रोगों से लड़ने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR नियंत्रित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिक संपर्क में फैलने वाला रोग है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे ए लगा रहे हैं। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं आपके एग्जाम में कम से कम भी 3 या 4 बार। क्वेश्चन नंबर 7, हृदयाघात होने का मुख्य कारण क्या है? सातवें का बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्यावसायिक श्वसन रोग है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं, ए और बी दोनों यहां पे हो जाएंगे, ठीक है? यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, और ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, यहां पे 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? 10वां है, स्वास्थ्य शिक्षा के दृष्टि श्रव्य साधन है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का बी लगा रहे हैं, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ORS घोल बच्चे को क्यों दिया जाता है? ये टेट में अभी क्वेश्चन आया था आपका, सभी एग्जाम के लिए है, तो ये मैं आपके को बता दूँ कि कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं और उसमें विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये है, आप डेली लगाइएगा। बिल्कुल सही, अगर आप ए ऑप्शन लगा रहे तो सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्राथमिक सेवाओं का प्रारंभ किसने किया?
बिल्कुल सही, 12वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा अभियान का तरीका नहीं है? ये भी टेट में अभी क्वेश्चन आया था आपका, यूपी टेट। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 2007 में किस टीके को सर्वभौतिक टीकाकरण कार्यक्रम से जोड़ा गया? अच्छा क्वेश्चन है भाई बहुत। बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, धूम्रपान, मदिरापान तथा नशीले पदार्थों के सेवन से किस प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं, तो ये सभी प्रकार की समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्यवसाय में होने वाले कुछ रोगों के नाम बताएं। बिल्कुल सही, 16 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही तरीके के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, लगातार बैठकर काम करने वाले कर्मचारी को कौन से रोग हो सकते हैं? सेवनटीन का राइट आंसर बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पे, इसका भी डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं? बिल्कुल सही, अगर 18 का आप राइट आंसर ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रदूषित पानी पीने से होने वाले रोग कौन से हैं? तो बिल्कुल सही, 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्वास्थ्य शिक्षा खालिस्तान द्वारा दी जा सकती है? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भाई डी, बिल्कुल सही है। चलिए 21 पे चलते हैं। 21 है, विभिन्न आयु समूह को खालिस्तान स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 22, समीक्षा द्वारा स्वास्थ्य रोग सॉरी योजना को कैसा बनाया जा सकता है? बाईसवें का राइट आंसर बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 23, स्वास्थ्य शिक्षा योजना के खाली स्थान निर्धारित करना जरूरी है? तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है ये सभी। 24, क्या स्वास्थ्य सुधार के लिए खाली स्थान आवश्यक है? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, नवजातों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 26, जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सही जा रहा है अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्वास्थ्य शरीर की क्रियाओं में बदलाव क्या दर्शाते हैं? तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 28, तंबाकू का धमनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 29, मादक पदार्थ मनुष्य के लिए तंत्र को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे, ये इसी पीडीएफ में, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादातर सहायक अध्यापक परीक्षा जो आने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये सारे टेस्ट लगाते रहा करें, डेली डेली मैं आपके लिए लेके आता हूँ अच्छे अच्छे यहाँ पे क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।